Hello everyone, this is Vansi from evidyarthi.in. Let's come to question number 4, exercise 1.1. So, is question mein hamare paas hai, a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. Abhi jo hume height given hai, ye sea level se given hai, theek hai? So, let's suppose, agar ye aapka sea level hai, to is sea level se, yahan pe kahin aapka plane fly kar raha hai, which is 5000 मीटर अबव द सी लेवल. ये सी लेवल है इसके ऊपर, ठीक है. नाउ इट इज, नाउ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो हमारा प्लेन है सबमरीन के एग्जैक्टली ऊपर है, और वो सबमरीन कहाँ है, दैट इज बिलो द सी लेवल. अगर ये सी लेवल है तो इसके अंदर, इसके नीचे, ओवर हियर, ठीक है. और इसका डिस्टेंस भी हमें सी लेवल से गिवन है 1200 मीटर, ठीक है. अभी सबमरीन सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है और जो हमारा प्लेन है वो 5000 मीटर ऊपर है, ठीक है. सो नाउ आपको फाइंड करना है What is the vertical distance between them? अब आपको इनका vertical distance निकालना है, plane का और submarine का, इन दोनों के बीच में कितना difference है. तो सबसे पहले तो एक छोटा सा logic लगाते हैं. अगर मैं कहूँ एक person, एक race चल रही है और एक बंदा 6 किलोमीटर तक पहुंच गया है और दूसरा जो है वो अभी 2 किलोमीटर पे है, ठीक है. अब मैंने आपको बता दिया कि एक रेस में एक 6 किलोमीटर भाग चुका है, एक अभी तक 2 किलोमीटर है. सो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच का आपको मुझे डिफरेंस बताना है कितना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे. 6 में से 2 माइनस कर देंगे, विच विल बी 4, मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है. सो कैसे पता चला इनका डिफरेंस, माइनस करके, हमें 6 में से 2 को माइनस करके पता चला. सिमिलरली यहाँ पे जो प्लेन का डिस्टेंस है और जो सबमरीन का डिफरेंस है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है. बट इसमें अभी एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि आपको जो डिस्टेंस गिवन है इन लोगों का एक पॉइंट से गिवन था, लेकिन यहाँ पे आपको सी लेवल से गिवन है. सो अगर ये सी लेवल लेट्स सपोज 0 है, ठीक है, तो प्लेन का डिस्टेंस 5000, ठीक है. जो ये सबमरीन है ये सी लेवल के नीचे है, नीचे है मतलब 0 से नीचे. जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0 की जो इस साइड नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, तो मतलब ये डेप्थ इसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन. सो वी स्टार्ट विथ, सबसे पहले जो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं. हाइट ऑफ द प्लेन गिवन है इक्वल्स टू 5000 मीटर, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास सबमरीन का गिवन है, सो वी राइट डेप्थ ऑफ सबमरीन दैट इज -1200 मीटर, ठीक है. अंडरस्टूड. अब हमें निकालना है वर्टिकल डिस्टेंस. सो नाउ डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 5000 -1200, ठीक है. 5000 में से हमें 1200 जो है, जो हमारा नेगेटिव में, उसको सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, इसको अगर आप ऐड करोगे सो वी विल गेट 0026 6200, फाइन. सो यहाँ पे आप देखोगे साइन किसका लगेगा, बड़ा कौन सा है, 5000, तो साइन 5000 के साथ लगेगा और 5000 के साथ हमारा पॉजिटिव है, सो ये हो जाएगा 6200 मीटर, मींस इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 6200 मीटर, फाइन. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.